What's up? आज हम वापस आ चुके हैं टू आर लास्ट वीडियो फ्रॉम आर काउंटडाउन टू जेई मेन सीरीज. मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों ने काफी सारे टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज पकड़ लिए होंगे अपने लिए. अगर आपको ज्यादा वीडियोस देखने हैं इस सीरीज में से, why don't you check out our entire series over here or somewhere? You gotta click here. Okay. तो अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करने में कोई फायदा नहीं है. तो लेस इज मोर, वी फील मोर फ्रेश. ओह यस. तो हमने लास्ट मंथ एक वीडियो की थी विच वॉज द 30-day रोड मैप टू जेई मेन 2020 विद रिदम गुप्ता हु गॉट AIR 27 बैक इन हिज डेज. हेलो. इन द लास्ट 5 डेज व्हाट इज इट दैट यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग? तो रिदम ने हमें एक सोल्यूशन दिया था उसके लिए कि हमें कुछ नहीं करना है. वी हैव टू चिल, वी हैव टू रिलैक्स, वी हैव टू गिव आवर बॉडी द हीलिंग दैट इट रिक्वायर्स बिफोर वी गो ऑन टू टेक द बिग एग्जाम. ओवशी टेक इट इजी ओवशी. You got it. That's all we're asking you to do. तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में की का काम करेगा. समझ रहे हो ना आप? Try to finish all the syllabus in the last moment. ये तो बिल्कुल ही मत करना यार. क्यों कर रहे हो अपने ज़्यादा से? तुमने 2 साल में वो चीज़ नहीं पढ़ी है. तुम्हें लगता है तुम लास्ट के 5 दिन में पढ़ के समझ लोगे और फोड़ दोगे. Instead, I think what you can do is focus on the revision bit of it. Whatever you know, जो तुम्हें आता है उसको और strong बनाओ. अपने weak sides को थोड़ा सा side में रखो. It's like ठीक है. And यार more than that, तुम्हारी confidence कितना गिर जाएगा अगर तुम कुछ नया pick up करोगे, उसको solve करने बैठोगे और वो तुम्हारा गलत हो रहा है. And obviously morale down होता है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है अपने साथ. ठीक है. And if you have any doubts about how you can revise better, there is something that we had made around revision. So you can check it out over here. Revision से याद आया कि formula और theorem तो बिल्कुल revise कर लेना, खत्म कर लेना, मतलब पढ़ लेना ढंग से. You should also carry a notebook where you have, you know, maybe written it down. तो तुम्हारे focus से कभी जाएगी नहीं वो चीज़. हमेशा तुम्हारे सामने होनी चाहिए. It's like right in front of you all the time. भाई तेरा कितना हो गया है, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं पूछना है. नो नाप ना, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी का बहुत सारा हो गया होगा, किसी का कम हो गया होगा, बट इट रियली डजेंट मैटर बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव डन. तुमने ऐसा क्या किया लाइफ में? तो अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करने में कोई फायदा नहीं है, तो मत करो यार प्लीज. ऐसा बहुत बार बोला जाता है इन द लास्ट फ्यू वीक्स दैट यू हैव टू नो कीप प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, कीप गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत सारी प्रैक्टिस करो. येस दैट इज़ ट्रू बट नॉट इन इट्स एंटायरिटी. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. तो अगर तुम एक बुक भी उठा रहे हो, तुम्हें लग रहा है वो ट्रस्टवर्दी सोर्स है, तो उससे प्रैक्टिस करो. ये नहीं कि हर बुक से प्रैक्टिस की जाए, बिकॉज इस वक्त बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है मार्केट में. देर इज सो मच टू प्रैक्टिस फ्रॉम. यू कैन पॉसिबली कवर ऑल ऑफ इट, कैन यू? सो द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ वुड बी टू पिक अप वन बुक और वन ट्रस्टेड सीरीज लाइक द FIITJEE मेन सीरीज जो अभी myPAT पे चल रही है. इट्स रियली गुड. दे हैव कलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर्स पेपर्स. So you will find most of them to be really relevant and it will help you in your future prospects, which is to get into the IITs, yeah. They're already down by 8 tests and today's test is only live till 11:59 PM. Just 6 hours left. Please go ahead and actually do it. And just in case you miss it, don't worry, koi problem nahi hai. 2 aur test hai uske baad jo tumhe dene chahiye. It will be very, very helpful for you. और अगर तुमने FIITJEE टेस्ट फोड़ दिया तो तुम्हें मिल सकता है अलेक्सा, अमेज़न कूपन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स एंड अ सरप्राइज गिफ्ट. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स बिफोर द एग्जाम. 6 घंटे तो सोना ही है, ठीक है? अगर तुम्हारी बॉडी रिलैक्स नहीं है ना व्हाइल द एग्जाम इज गोइंग ऑन, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ब्रो. और जो खाना तुम खा रहे हो, इट हैज टू बी रियली लाइट सो दैट इट्स ईजी टू डाइजेस्ट. समथिंग व्हेन इट्स ईजी टू डाइजेस्ट विल गिव यू मोर एनर्जी एंड ऑल्सो यू विल फील मोर फ्रेश. ओह यह, वेज इज फॉर द विन. एग्जाम से पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड सो दैट नेक्स्ट यू कैन रन इट फास्टर. यू अंडरस्टैंड? लाइक जैसे एथलीट्स होते हैं ना, जब उन्हें 100 मीटर का स्प्रिंट भागना होता है तो वो एक दिन पहले ना थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं. तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए टू डू एनीथिंग एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू आर गिविंग योर बॉडी इनफ रेस्ट बिकॉज रेस्ट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ
staying alive. This is something like, you know, how you're trying to catch a train, but tum sirf 2 minute pehle pahunchte ho before the train is about to leave, and then the train leaves in front of you and you are on the station thinking ki agar tum thoda pehle pahunch jate to life thodi set ho jati hai na. Time is a very important factor. Time plays a very important factor while you're giving the exam, but also before the exam. What are the things that you're doing in the time that you have before the exam? One of the most important things, jo bahut hi mahatvapurn cheez hai, wo hai please 1 ghante pehle pahunch jao. Because if you're going to sit for the exam while panicking, that is not going to work out very well for you, my friend. Exam wale din bahut sari cheeze rehti hai hamare dimag mein, bahut sari uthal puthal rehti hai. We have to get from our home to the exam center, 1 ghante pehle pahunchna hai, admit card hai ki nahi. It's such a conundrum, itna sara chaos hum lekar aate hain apne saath into the exam. Hence, it is very important to know what to do on the day of the exam before you actually enter that exam, you know. Kuch aisi cheeze hai jo aap apne dimag mein rakh sakte hain jo aapka din behtar banayengi, kyunki bahut important din hai, hum sabko pata hai. ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं. वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट अगेन एंड अगेन, बट सॉल्व कुछ नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है अपने अंदर, राइट? दैट फ्रस्ट्रेशन कैन एक्चुअली अफेक्ट द एंटायर एग्जाम. तो उसको स्पिल आउट नहीं होने देना है वहाँ पर, उसको वहीं रोक देना है. हाउ डू यू डू दैट इज बाय नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसको छोड़ दो एंड के लिए, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें प्रॉब्ली ज़्यादा अच्छी तरह से आते हैं. यू हैव टू कीप द बॉल रोलिंग. मत करो यार ये सब रैंडम गेसेस. आर क्या बताऊँ मैं तुमको, ये रैंडम गेस जो होते हैं ना, वो एक्चुअली में अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको कम करने लगता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि वी डोंट नो ना, वी आर नॉट श्योर 100% कि ये राइट आंसर है. सो अवॉइड रैंडम गेसेस ऑल टुगेदर. यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड मे बी मेक सम इंस्टिंक्टिव मूव्स जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग. तो ऐसा कर सकते हो, बट सोच के करो, क्योंकि काफ़ी रिस्क ले रहे हो, काफ़ी रिस्क. जो एग्जाम का टाइम होता है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है हम सब के लिए ऑब्वियसली. तो ड्यूरिंग दैट स्ट्रेसफुल टाइम हम लोग कभी कभार एक बहुत छोटी गलती कर देते हैं जो हमें बहुत भारी पड़ सकती है, वो है क्वेश्चन ना पढ़ना. बी मोर माइंडफुल व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस. पूरे ध्यान के साथ क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू गेट थ्रू दिस एग्जाम, ऑप्टिमिज्म. एंड दोस्तों, हम बिलीव करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे फ्रॉम द काउंटडाउन सीरीज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. अगर तुम्हें सच्ची में वीडियो अच्छी लगी ना, प्लीज़ हिट द लाइक बटन ब्रो, जस्ट डू इट. एंड एज प्रोमिस्ड, वी आर नाउ लाइव विद आवर पेरेंट ऐप. तो अपने मम्मी पापा को जाकर बता दो कि माई पैट की पेरेंट ऐप आ चुकी है. इट हैज़ कम, इट हैज़ कम. यार शेयर करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो प्लीज़ शेयर दिस नॉलेज विद योर फ्रेंड्स एंड पीपल हु आर ऑल्सो गोइंग टू बी अपियरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, लेट एवरीबडी नो कि हम क्या कर सकते हैं इन द लास्ट फ्यू डेज टू मेक आर प्रेपरेशन इवन स्ट्रॉन्गर, इवन बेटर, बिकॉज दैट्स वॉट वी आर द वॉरियर्स. To check out the entire series, you can click here and you will be redirected, okay? I will see you next week. Until then, take care of yourself. All the best for your JEE preparations and Happy New Year to you. Happy 2020! Happy 2020! Happy 2020! You have to keep the ball rolling. Oh, Urvashi, Urvashi, take it easy, Urvashi. कुछ रिग्रेट के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? सब कुछ कर कराओ जो कर सकते हो, पूरा फोड़ कराओ, ठीक है? पूरा कॉन्फिडेंस एकदम.